जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चल आपके? तो भाई स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि आपने बेटा थंबनेल से सीख लिया, देख लिया होगा कि फॉर्मूला कि भाई क्या फॉर्मूला है कि मैं एनडीए मैथ्स क्लियर कर सकूं 30 डेज में। पहले बता देता हूं, ये बच्चे वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी अभी तक तैयारी ढंग से नहीं हुई है, या फिर सर स्कूल के मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, मैं नहीं कर पा रहा था तैयारी, या फिर किसी भी कारण से मेरी तैयारी अभी तक नहीं चल रही थी, मेरी तबियत खराब थी वगैरह वगैरह रीजन। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए भी जो सीरियस एस्पिरेंट भी होने चाहिए। सबसे पहले तो कि भाई आप सीरियस हो कि हाँ मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एनडीए के तरीके से जाना चाहता हूँ एनडीए। तो भाई कैसे सर हम एनडीए मैथ्स की बेटा तैयारी कर सकते हैं 30 डेज में, आराम से बेटे समझना। अगर इस वीडियो को फॉलो कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 101% अगला इसी टाइम पर आप अगले साल एनडीए के अंदर खड़े होंगे। क्या बात है वो देखिए बेटा, समझते हैं इसके अंदर। भाई सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा, स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा, आराम से समझेगा इस बात को, देखिएगा बहुत गहराई में जाएंगे, आपको समझ जाएगा हाँ यार सच्चाई तो सारी यही की यही छुपी थी। सबसे पहले बेटे क्या करना होता है, अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप वेटेज वाइज जाइए। आप बेटे वेटेज वाइज जाओगे तो आपको बेटे पता चलेगा कि ना किस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको बेटे पहले पहले देखना होगा, राइट। किससे सबसे ज्यादा आते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये सब की ना वीडियोज ना अगर आप देखेंगे तो मैंने वेटेज की ना आपको वीडियो डाल रखी है, आप जाएंगे LWS चैनल पर ही आपको सब दिख जाए, राइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं वो सिलेक्ट करिए, आप देखिए। सुमित सर ने भी वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, वो भी आप देख सकते हैं मैथ्स के, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले अपने लिए जितने आपके बस की है ना आप कर सकते हो तो वो आप कर सकते हैं, राइट। आपने मान लीजिए सिलेक्शन बेटे आपने कर लिया, लेकिन अब उसकी थ्योरी चाहिए सर, राइट। उसकी थ्योरी चाहिए सर, सिलेक्शन मैंने कर लिया कि मैं इतना चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, यानी कि मेरे 120 क्वेश्चन है, तो सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 80 से लेके 90 क्वेश्चन की तैयारी करके जाने वाला हूँ इस बचे हुए टाइम में, और अच्छे से पूरी जान लगाने वाला हूँ। और इसके बाद बेटे दूसरा काम तेरा बनता है इतनी मेहनत के बाद, थोड़ा सा अपना काम होमवर्क करने के बाद, कि बेटा गेट राइट कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। भाई आपके पास सही कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी है तो मैंने कुछ भी उठाया उठा के पढ़ लिया। भाई ऐसा कंटेंट जिसके अंदर ट्रिक्स भी हो, जिसके अंदर वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी सोल्व हो, और जिसके अंदर अपडेटेड मटेरियल भी हो, लाइक इस बार आने वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो बातें बेटा उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। राइट कंटेंट यानी कि इसके लिए आप बेटा LWS पे होने वाले सारे जो हमारे लेक्चर है, मैं और राज सर हैं जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम दस आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो सिलेक्शन करने का, तो राइट राइट कंटेंट आपके पास जरूर होना चाहिए जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा सके, फालतू का नहीं, जो सिलेक्शन पे दिलाए हर बारी बेटा मेहनत करके आपको पहुंचाए एनडीए तक। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट काम तो बेटा ये है, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कहां कहां से मुझे क्या क्या पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो राइट कंटेंट होना चाहिए जो आपको सिलेक्शन दे दे। थर्ड बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेप बसता है जी, क्या है जी, प्रैक्टिस बेटे, बस फिर उठा के ना प्रैक्टिस ही बच्चे रह जाते हैं। सर हम ना पढ़ते ही जा रहे हैं लाइव में, सर हम पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन भाई तुम्हारी बारी तो आती है प्रैक्टिस की, और तुम उस टाइम पे बेटे पीछे पड़ जा रहे हो, पीछे अपने आप को रख ले रहे हो। प्रैक्टिस पे ज्यादा समय दीजिए। मान लीजिए अगर आप मैथ्स में बेटा 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो 2 घंटे थ्योरी पढ़ना, 4 घंटे बेटे प्रॉमिस करो आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है बेटा, सबसे पहले आप देखिए PYQ की बुक उठा लीजिए। इतने कम समय में अगर मैं बात करूं सिलेक्शन चाहिए तो, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल करा रहे हैं, इस बार भी कराएंगे, राइट। PYQ करिए, उसके बाद न्यू क्वेश्चन बेटे थोड़े से जरूर टाइप देख के जाना, पैटर्न बदल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री ने तो घुमा के रख रखा है, मैट्रिसेस ने भी भारी घुमाया था, डिटरमिनेंट ने भी, तो काफी सारे वो नए देख के जाना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटे मॉक, लेटेस्ट एंड अपडेटेड पैटर्न पे मॉक आपको बेटे जरूर करके जाना। ये 3 स्टेप फॉलो करोगे ना आपका कभी बेटे फॉर्मूला, ये है बेटे फॉर्मूला कभी भी एनडीए मैथ्स को 30 दिन में क्रैक करने का, लेकिन इस 30 दिन में आपको डेडिकेटली मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको भी बेटे कंफ्यूजन है ना इस सबके अंदर, भाई तुम्हारे लिए ना बेटे सबसे बेस्ट बैच निष्कर्ष बैच बेटा ऐसा बैच है भाई साहब जो सिलेक्शन देता है, इसके अंदर ऐसा कंटेंट बेटे पढ़ाया जाता है जो तुम्हें एनडीए पहुंचाता है। यानी कि अगर तुम्हारा क्लास 12th का बोर्ड खत्म हुआ और अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है, चुपचाप बैग उठाओ निष्कर्ष में आ जाओ। भाई निष्कर्ष बैच बेटे हमारा 15 मार्च से शुरू हो रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन बेटे स्टार्ट हो गई है, नीचे आपको लिंक दे रहा होगा, वो जाके लिंक अपना रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंटेंट बेटे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको ऐसे ऐसी शीट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, राइट। कैसे मैं डिस्कस करता हूँ, पहले आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल क्वेश्चन की सारी शीट्स प्रोवाइड करी जाएगी, उसके बाद वो शीट सारी क्लास में डिस्कस होगी विद कॉन्सेप्ट। यानी कि आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको क्लास से पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि मैं कहूंगा वहां से पढ़ के आ जा मैं तेरे को शीट कराऊंगा, नहीं भाई कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, सारी शीट कराऊंगा, देखो सारे अपडेटेड कंटेंट के साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, एक एक शीट, सारे जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा हूँ वो सब इसके अंदर बैठे हमारे डिस्कस कर जाएंगे। ये ऐसा बैच है जो बेटे सिलेक्शन देता है, इसलिए कह रहा हूँ सीट बुक कर लेना, बाद में वरना मैसेज मत करना कि सर अब बुक कराइए, सीट जल्दी इसकी फुल हो जाती है, हॉस्टल में भी जगह बेटे जल्दी फुल हो जाती है, तो फटाफट से इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, क्योंकि ये बैच ऐसा है जो बेटे सिलेक्शन देता है। लाइक थिंग आप जब इसको जानते ही होंगे, हमारे सुमे मारदास जी देख रहे हो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, हमारे 135 रैंक जो ही हमारे निष्कर्ष बैच देते, यानी कि वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जिससे सिलेक्शन होता है, टाइम पास नहीं भाई, सिलेक्शन करवाना है तुम्हारा पूरी जान, बस ये मान के आएगा। और ये हमारी लिस्ट सिलेक्शन की, इसमें से भी अगर हम बात करें, ये भाई साहब भी हमें निष्कर्ष में आए थे,
और भी मैं बेटे अगर बात करूं तो काफी सारे लड़के हमें देखने को मिले थे, बस ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा निष्कर्ष बहस के भाई साहब ऐसा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा जो आप फॉलो, सिर्फ बस ये मान के आना कि एक महीने अगर बचा हुआ भी है ना तो पूरी जान लगाओगे, हम आपके लिए डबल जान लगाएंगे, आप भाई उसकी आधी भी कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन राइट। तो ये बातें मेरे को आपके साथ बेटे शेयर करनी थी, अगर अभी तक तैयारी नहीं चल रही तो तुम्हारे को एक और मौका देने आ रहा है LWS निष्कर्ष बैच के थ्रू, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, नीचे लिंक है फटाफट से कर लो, वरना बाद में मैसेज मत करना कि सर सीट दिला दो क्योंकि जल्दी से सब कुछ फिल हो जाए। ठीक है, मिलता हूँ बेटे आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।